यस फ्रेंड, इस बार करवा चौथ पे तो मैं ही खिलने वाली हूँ। मुझे लग रहा है मेरी स्किन एक अलग ही लेवल पे जाने वाली है। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में ना आपको मतलब ग्लो के साथ आपको इस स्किन में इतना ग्लो कैसे मिला वो भी पता चला, एंड उसके बाद आपको मैंने फेशियल स्टेप बताए, और सबसे इंपॉर्टेंट गाइज मैंने आपको फेस पैक उतारने के ईजी तरीके। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में गाइज मैं करने वाली हूँ एक हल्दी चंदन मेकअप। बट मैंने हल्दी चंदन की कोई अलग अलग नहीं लिया कि हल्दी अलग लिया है चंदन अलग लिया है। मैंने एक फेशियल किट ऑर्डर की थी हल्दी चंदन की, तो मैं आपके साथ उसको शेयर करने जा रही हूँ। परसों है करवा चौथ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपना करवा चौथ फेशियल ग्लो गाइज। यस, अभी मैंने जस्ट ना थोड़ी देर पहले ही ब्लीच की थी। ब्लीच भी मैंने हल्दी चंदन की ही ब्लीच की थी, मैक्स ग्लो की। अगर आप वो देखना चाहते हो तो उससे पहले एक शॉट डाला हुआ है, आप वो शॉट चेक कर सकते हो। उसके अंदर आपको पता चल जाएगी कि मैंने कौन सी ब्लीच यूज की है। और गाइज, अगर आपको उसके पूरा रेशियो जाना है ब्लीच का, तो मैंने उसका जो लिंक हो बटन पे आपको क्लिक हो रहा होगा, तो आप उस पे जाके चेक कर सकते हो मेरी फुल वीडियो जो मैंने ब्लीच की थी। काफी अच्छा ग्लोइंग स्किन हो गई थी उससे भी। तो चलो वो तो आप देख लेना, तब जब तक हम करते हैं हल्दी चंदन मेकअप। तो ये है मेरे पास हल्दी चंदन मेकअप किट गाइज, आप देख सकते हो। अब देखते हैं इसमें कितना निखार आता है हल्दी चंदन वाला। चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सबसे पहले इसमें ये 5 स्टेप्स दिए हुए हैं, प्लस 1 सीरम दिया हुआ है, आप देख सकते हो फ्रेंड्स। मुझे ये 200 रुपीज की पड़ी थी, तो उसके हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर मैं बाहर फेशियल कराने भी जाती हूँ तो कम से कम मेरे से 300 या 400 रुपए वो फेशियल के लेते हैं अगर किट मेरी हुई तो। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये पूरी वर्थ रहने वाली है। वर्थ पूरी तब होएगी जब ये अच्छा सा हमें ग्लो देगी। तो चलो देखते हैं कितना अच्छा ग्लो आता है। चलो मैं फेशियल को स्टार्ट करते हैं। इसको अच्छी तरह से बैंड कर लूंगी ताकि मेरे हेयर्स खराब ना हो। फर्स्ट स्टेप है हमारा हल्दी चंदन क्लींजर। तो ये हम जब क्लींजिंग करते हैं इससे हमारे स्किन की जो डस्ट वगैरह होती है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है। एक तरह से हमारा फेस वॉश का काम करता है। बट गाइज, हमें इसको इतना अच्छी तरह ऑब्जर्व हो जाए स्किन को, इतना इसको नहीं करना है। एंड गाइज, मेरे स्टेप्स पर आप बहुत ध्यान दीजिएगा, मैं जैसे कर रही हूँ ये स्टेप आपके जो फेस के सर्कुलर फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको फास्टली चलाता है, एंड उससे आपका जो स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्लोइंग करती है गाइज। और ये जो लास्ट में जो स्टेप मैं करती तो ये रिलीफिंग स्टेप है। आप जब भी कोई मसाज करते हो उसके बाद आपको ये स्टेप करना जरूर करना चाहिए। इससे आपको एक अलग तरह का रिलीफ मिलेगा और मतलब आपकी जो स्किन है उसको काफ़ी ज़्यादा रेस्ट मिलेगा। एंड यस, ये जो लाइन के लिए है गाइस। अगर आपकी जो लाइन आपको चाहिए, आपको एकदम क्लीन सी लगे, शार्प सी लगे, तो ये उसके लिए है। एंड सेकंड स्टेप मैं ले रही हूँ स्क्रब गाइस। ये जो स्क्रब है फ्रेंड्स, बहुत अच्छा स्क्रब लगा मुझे, क्योंकि ना ये काफ़ी ज़्यादा हार्श नहीं था। जैसे स्किन एकदम से खींचने लग जाती है, कई बार ऐसा लगता है स्किन ना एकदम से छीली जाएगी, बट ये बहुत अच्छा था और मतलब नॉर्मल था गाइस। ये बहुत अच्छी तरह इसने मेरे जो डेड स्किन थी इसने अच्छी तरह रिमूव करी, जैसे लाइक मेरे लिप्स के नीचे की साइड एंड नोज़ के ऊपर, वो भी काफ़ी अच्छा किया। एंड थर्ड स्टेप मैं ले रही हूँ एक क्लिंजिंग क्रीम गाइस। इसको हमें जब तक अपने स्किन के अंदर ही ऑब्जर्व ना हो जाए, हमें इसको तब तक अच्छी तरह से मसाज देनी है अपने फेस पे। एंड यस, ये स्टेप्स ऑल्सो ये स्टेप्स फॉलो करने हैं गाइस आपको। आप मेरे स्टेप्स पे बहुत ध्यान दीजिएगा, ये फेशियल के स्टेप है, बहुत अच्छी तरह ये आपको आपके स्किन के अंदर ग्लो देगी आपको। लास्ट में आपको पता है हर एक मसाज के बाद मैं ऐसे जरूर करती हूँ, इसे आपको ऐसा लगेगा माँ का प्यार आपको मिल रहा है। और यस, इसके बाद आपको इसको रिम पैड से या फिर किसी भी स्पॉन्ज से रिमूव नहीं करना है, डायरेक्ट आपको इसके ऊपर फेस जेल अप्लाई कर लेनी है, क्योंकि और भी ज़्यादा आपको मतलब सोने पे सुहागा वाला ग्लो देगा गाइस। आपको इसको बिल्कुल भी पानी से रिमूव नहीं करना है या कोई भी स्पॉन्ज से। अब आप देख सकते हो मैंने इसको जेल अप्लाई कर ली है, और यस, जेल भी एक काफ़ी अच्छी क्रिस्टल लुक देती है आपकी स्किन में। एंड ये आपको बहुत फास्ट फॉरवर्ड दिखा रही हूँ गाइज, मुझे कम से कम मैंने इसको 40-50 मिनट अपना फेशियल में पूरा किया था, मुझे 50 मिनट्स एटलीस्ट लगे थे। एंड यस गाइज, मुझे स्किन इतनी अच्छी लगी ना अपनी, बहुत अच्छा लग रहा था। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ फेस पैक। अब फेस पैक के लिए मैं कोई वाटर यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं रोज़ वाटर यूज़ कर रही हूँ, गुलाबरी का है, इससे आपकी स्किन के अंदर अच्छा सा ग्लो देगा। और फ्रेंड्स, आप मेरा ये लगाने का तरीका देखिए, आपको चीक्स के ऊपर की साइड लेके जाना है, ये स्किन टाइटनिंग का काम करती है आपकी जो फेस पैक होता है। और यस, आप देखिए फ्रेंड्स, मैं इसको गालों के ऊपर की तरफ ले रही हूँ। ऐसा नहीं है हमें अपने फेस पर पुट्टी नहीं करनी है, ब्रश नहीं मारना है, हमें एकदम बहुत तरीके से अपने फेस पैक को अप्लाई करना है अपने फेस पर, तो आपको ग्लो भी फिर अच्छा ही मिलेगा फ्रेंड्स। अब ये सूख गया है मेरा, और अब मैं क्या
करूँगी। कोई भी आप टोनर लीजिएगा उसको अपने फेस पे स्प्रे कीजिएगा, अगर टोनर नहीं है तो वाटर भी यूज़ कर सकते हो, एंड उसको अच्छी तरह से अपने हाथों से मसाज कीजिएगा। जब आप मसाज करोगे तो आपके पास जब आप इसको वाइप करोगे तो बहुत ईजिली वाइप हो जाएगा, वरना आप अपनी स्किन के साथ ना लड़ाई करने लग जाते हो इसको रिमूव करते टाइम फेस पैक से, तो आपका सारा ग्लो खराब हो जाता है, जो भी आपने किया वो सब खराब हो जाता है। तो यस, उसके बाद मैं लगा रही हूँ ये ग्लोइंग सीरम गाइज, और ये ग्लोइंग सीरम सिर्फ नाम का नहीं है, इसने काम भी किया है। आप देख सकते हो मेरी फेस पे अच्छा सा ग्लो दिया, और इसने मुझे पूरा दिन तक ग्लो दिया। देख सकते हो ये मुझे इंस्टेंटली ग्लो मिला है, मतलब बहुत सुंदर सी स्किन हो गई है रियल में, बहुत ही सुंदर सी हो गई है, मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। तो फ्रेंड जैसे मेरा ना रिसेंट फेवरेट हल्दी चंदन ब्लीच है ना मैक्स ग्लो की, सेम वैसे ही अब मेरा हल्दी चंदन मेरा फेवरेट हो चुका है गाइस, और इसने सच में मुझे इतना सुंदर निखार दिया है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और मैं आपको 100% बोलना चाहूँगी, रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप इस हल्दी चंदन की, अगर आप कोई भी फेशियल अपने घर पर यूज़ कर रहे हो ना तो आपको हल्दी चंदन वाला ही करना चाहिए। हल्दी चंदन का किसी भी कंपनी का चलेगा गाइस, बट जो मैंने लिया था वो सौंदर्य हर्ब का है, जो मैंने फेशियल की ली थी और मुझे ये 200 rupees की पड़ी थी। एंड यस गाइज, उसका जो आप फेशियल ग्लो देख सकते हो वो 200 से भी ज़्यादा का मुझे मिला है। कोई भी फिल्टर मैंने इस टाइम इस पर नहीं लगाया हुआ, आप देख सकते हो, अगर फिल्टर लगाता हूँ इसमें मेरे जो ये एरियाज है ये पिगमेंटेड एरियाज बिल्कुल भी नहीं हाइड होते, बिल्कुल हाइड हो जाते मैं फिल्टर लगाती तो, बट आप देख सकते हो सच में गाइज मेरी रियल स्किन इस टाइम शो कर रही हूँ मैं बिल्कुल। और मैं आपको जरूर 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 कहना चाहूँगी आप प्लीज़ इसको लीजिए, एंड आपको फेशियल के स्टेप भी सारे मैंने आपको बता दिए हैं। फ्रेंड्स आपको इस वीडियो में ना आपको मतलब ग्लो के साथ आपको स्किन में इतना ग्लो कैसे मिला वो भी पता चला, एंड उसके बाद आपको मैंने फेशियल स्टेप बताए, और सबसे इम्पोर्टेंट गाइज मैंने आपको फेस पैक उतारने का इजी तरीका बताया। गाइज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, आई होप आपको भी ये ग्लो पसंद आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपको ये फेशियल किट का लिंक चाहिए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी। तो यस फ्रेंड, इस बार करवा चौथ पे तो मैं ही खिलने वाली हूँ, मुझे लग रहा है मेरी स्किन एक अलग ही लेवल पे जाने वाली है। गाइज मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो पता है क्या करना है, आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब।